हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो विस्कोसिटी में हमने देखा था कि भाई जब भी कोई लिक्विड होता है तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है, विच इज़ कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, अब क्या है कि स्टोक्स जो था, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बताया कि अगर मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, आपने क्या किया, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट उसने लिया था। तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट इनिशियली, भाई उसके अंदर वेट है, मास है, तो वेट फोर्स अप्लाई होगा। अपने वेट फोर्स से कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, अब अपन आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बियोन्सी फोर्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, लिक्विड उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, बियोन्सी फोर्स जिसको बोलते हैं अपन, है ना। वो बियोन्सी फोर्स जो लगता है वो क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड पुश करता है, है ना। वो फोर्स कितना लगता है, जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट ने हटाया उस लिक्विड के वेट के इक्वल फोर्स अप साइड में लगता है। ठीक है, अच्छा, तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उस लिक्विड में, तो ऑब्जेक्ट के नीचे जाने पर नीचे डाउन साइड में तो mg वेट फोर्स लगेगा ही। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे जा रहा है, तो उसके अंदर m मास है, तो डाउन साइड में तो mg वेट फोर्स लगना ही है। ठीक है, इसके अलावा इसने जो लिक्विड हटाया, भाई ये लिक्विड के अंदर आ गया, जितना इसने एरिया कवर किया उस एरिया में से लिक्विड को इसने हटा दिया, तो वो हटा हुआ है लिक्विड क्या करेगा, इस पर ऊपर की साइड बियोन्सी फोर्स लगाएगा। ठीक है, साथ में एक और फोर्स लगेगा, लिक्विड की लेयर्स के बीच में मूव कर रहा है, तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में मूव करने से इस पर विस्कस फोर्स भी लगेगा। ठीक है, विस्कस फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, मोशन डाउन साइड में है तो विस्कस फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा, तो बियोन्सी फोर्स भी ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा, ओनली वेट फोर्स FW विच इज इक्वल टू mg। तो क्या होगा कि कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद, जो mg है ना, इस mg को, अच्छा, नीचे जब फोर्स जब भी कहीं लगता है तो वो बॉडी को एक्सेलरेट करता है, है ना। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि भाई ये mg को ये दोनों फोर्स बैलेंस कर देंगे, है ना। थोड़े टाइम तक तो क्या होगा, इस mg से नीचे जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये mg को ये दोनों फोर्स बैलेंस कर देंगे, तो दोनों फोर्स बैलेंस कर देंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को ये ऑब्जेक्ट एक्वायर करेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी कब, जब इसके सारे फोर्स बैलेंसिंग में आ जाएंगे, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब उस टाइम बाद ये क्या एक्वायर कर लेगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अपन भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मान लो किसी ग्लिसरीन में कोई आयरन की बॉल डाल दो छोटी सी, इनिशियली वो वेरी फास्ट वेलोसिटी के साथ क्या जाएगी, नीचे जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में mg उसको नीचे ले जाएगा, धीरे धीरे उसका विस्कस फोर्स और बियोन्सी फोर्स उसको जब बैलेंस करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मूव करता है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब स्टोक्स ने क्या किया था, स्टोक्स ने एक तो क्या है, इस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, उसने एक चीज़ और बताई है कि भाई जो विस्कस फोर्स लगता है ना, वो विस्कस फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है नीटा, वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक डिपेंड करता है वी, विच इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो उसने एक्वायर की कुछ टाइम के बाद, स्टडी वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी। और एक डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की रेडियस पे, आर पे। ठीक है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे पहले तो अपन, कि भाई विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला है, विच डिपेंड्स ऑन द नीटा, वी टर्मिनल वेलोसिटी, एंड आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखें कि भाई कितना होता है विस्कस फोर्स, अब देखो विस्कस फोर्स का मेरे को डिपेंडेंस निकालना है, अपन डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, है ना। अपन ने पढ़ी है पहले डायमेंशनल एनालिसिस, हमको पता है कि भाई विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स ऑन कर लेता हूँ, फोर्स डिपेंड्स ऑन किस किस पर करता है, एक तो नीटा विच इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेकेंड इज द टर्मिनल वेलोसिटी,
क्या थी टर्मिनल वेलोसिटी? वो वेलोसिटी जिससे अपना ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जिस स्टेडी वेलोसिटी से मूव करता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और थर्ड है क्या? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये है डायमेंशनल एनालिसिस से अगर मैं इसकी डिपेंडेंस निकालूं विस्कस फोर्स एफ वी कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो एफ वी जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है किस किस पे? एक तो नीटा पे, एक वी पे और एक आर पे। ठीक है, अब कितने टाइम्स करता है मुझे नहीं पता। लेट नीटा पे ए टाइम्स, वी वेलोसिटी पे बी टाइम्स और आर रेडियस पे करता है सी टाइम्स। ऐसे करते थे डायमेंशनल एनालिसिस अपन। ठीक है, अब सो एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के कॉन्स्टेंट आ गया, नीटा ए वी टी बी और आर सी। डायमेंशंस मुझे पता है, फोर्स m1 l1 t-2। ठीक है, नीटा का डायमेंशन कल निकाला था अपन ने, क्या था? m1 l1 t-1 है ना। ठीक है, कल ही कैलकुलेट किया अपन ने। उसके अलावा वी टी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है भाई? l1 t-1, वेलोसिटी तो एक जैसी होगी कोई भी हो, और रेडियस का तो क्या हो जाएगा? l1। ठीक है, पुट कर दूं। सो एफ वी विच इज m1 l1 t-2 इक्वल टू, कॉन्स्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, नीटा की डायमेंशन m1 l-1 t-1 एंड पावर इज 1। देन वी टी वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t-1 पावर b एंड दिस इज l1 एंड पावर c। ठीक है, सो m1 l1 t-2 हो गया ये, दिस इज m पावर a और कहीं m नहीं है। ठीक है, एंड l पावर माइनस a प्लस b एंड प्लस c, माइनस a प्लस b एंड प्लस c। ठीक है, l पावर इधर से माइनस a आ जाएगा, इधर से प्लस b आ जाएगा, इधर से प्लस c आ जाएगा, और t की पावर माइनस a और माइनस b। ठीक है, कंपेयर कर दें, डायमेंशंस इक्वल होंगी, कंपेयर करो तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ए इक्वल टू तो क्या आ गया? 1 आ गया, एम को एम से कंपेयर कर दिया सीधा सीधा, है ना। माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? माइनस टू। ए की वैल्यू मुझे पता है, माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस टू प्लस ए, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू। ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी इक्वल टू बी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इधर से, सी इक्वल टू 1 प्लस ए और माइनस बी, तो सी इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1, तो सी इक्वल टू बी क्या आ गया? 1। दैट मीन्स ए बी सी तीनों की पावर 1 है, तो एफ वी इक्वल टू क्या आ जाता आएगा? के नीटा वी टी एंड आर। इस के की वैल्यू 6 pi कैलकुलेट की थी प्रैक्टिकली स्टॉक्स ने, सो एफ वी विस्कस फोर्स अपना होता है 6 pi नीटा VTR। ठीक है, तो दिस विल बी द विस्कस फोर्स अप्लाइड इन द लिक्विड 6 pi नीटा VTR। ठीक है भाई, ये उस विस्कस फोर्स का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये विस्कस फोर्स कब लगेगा? जब अपना ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये लिक्विड में जा रहा होगा तो ये वी टी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब वो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो वो जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो इज कॉल्ड स्टॉक्स फॉर्मूला। ठीक है, उससे अपन क्या करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। देखें हम,
अच्छा देखो, किसी भी लिक्विड में मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट है ना उसको फ्रीली ड्रॉप कर दिया, तो मुझे पता है ड्रॉप करने पर क्या होगा। लेट जिस लिक्विड में मैंने ड्रॉप किया है उस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है और जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉप किया है उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। तो मैंने ड्रॉप किया तो नीचे डाउन साइड में तो इस पर वेट फोर्स लगना है विच इज एम जी, ठीक है। और अप साइड में क्या लगेगा, एक तो वी एम सी फोर्स लगेगा, एफ वी बोल देता हूँ उसको, और नीचे आएगा तो भाई ये लिक्विड की लेयर्स हैं, ठीक है, लिक्विड की लेयर्स क्या लगाएंगी ऊपर की साइड में, विस्कस फोर्स लगाएंगी, एम इसके अंदर क्या है मास है, और लेट इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, आर रेडियस का ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर छोड़ दिया, ठीक है भाई। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है अपने 11th क्लास में, वो एक्सपेरिमेंट अपन बाद में देखेंगे लैब के अंदर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन टर्मिनल वेलोसिटी अपन फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब देखो क्या होगा कि इनिशियली तो ये एम जी से नीचे जाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपनी वेलोसिटी अटेन करेगा, और जब वेलोसिटी अटेन करेगा तो जो फोर्सेस हैं वो किस में आ जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपन को पता है कि भाई विस्कस फोर्स जो लगेगा, अच्छा मैं यहाँ क्या मान के चल रहा हूँ कि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो कितनी है, सिग्मा है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट अपन ने छोड़ा उसकी डेंसिटी है रो है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट में लेके चल रहा हूँ स्मॉल एम, रेडियस ऑब्जेक्ट की मैं लेके चल रहा हूँ क्या आर, ठीक है, और वो टर्मिनल वेलोसिटी वी टी तो ही अटेन करेगा ही, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा कि विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है वो तो एफ वी इक्वल टू 6 पाई नीटा वी टी आर ये होगी ही, ठीक है। वेट फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा भाई, W इक्वल टू एम जी, ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो W इक्वल टू डेंसिटी कितनी हो गई, कितनी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू वन इंटू क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन क्या हो गई। सेकंड वियोंसी फोर्स कितना लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा भाई, अब थ्रस्ट एफ बी कितना लगता है, जो लिक्विड रिमूव किया ऑब्जेक्ट ने वो अप्लाई करता है उसके वेट के इक्वल, उसका वेट वही एम जी, ठीक है। एम जी अगर उसका वेट लू मैं एम कैपिटल एम जी, तो एफ पी इक्वल टू कैपिटल एम, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है उसकी सिग्मा, वॉल्यूम तो उसने अपने इक्वली हटाया होगा उस ऑब्जेक्ट ने 4/3 पाई आर क्यू वन इंटू में क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन नंबर क्या आ गई थर्ड, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अपन को पता है कि इन इक्विलिब्रियम फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, इन इक्विलिब्रियम देखो एम जी जो डब्ल्यू है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वियोंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स एफ वी प्लस एफ वी, ठीक है। तो दिस एम जी इज इक्वल टू व्हाट 4/3 पाई आर क्यू रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वी, कहाँ गया ये रहा एम जी दिस इज 4/3 पाई आर क्यू एंड सिग्मा इंटू जी और प्लस 6 पाई नीटा वी टी आर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है मेरे को, देखो 6 पाई नीटा वी टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो जी माइनस का 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी, ठीक है भाई 6 पाई नीटा वी टी आर
विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू जी, तो कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है भाई। सो वी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू जी रो माइनस सिग्मा और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 पाई मीटा एंड आर। वी टी क्या आ गया भाई, ये 4/3 और है, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2/9 पाई आर क्यू जी रो माइनस सिग्मा और अपॉन में क्या बचेगा भाई नीटा, ये आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। दैट मीन्स द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 2/9 पाई आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा, ठीक है भाई। अच्छा ये पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पाई, सो द फॉर्मूला विल बी 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस का सिग्मा अपॉन 9 नीटा, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक तो रेडियस पर डिपेंड कर रही है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनली नीटा पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीटा है, तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और आर रेडियस पे भी ये डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो जो रो है वो क्या है, वो डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट अपन ने डाला लिक्विड के अंदर, और सिग्मा किसकी डेंसिटी है, उस लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। अब मान लो क्या हो कि अपना जो लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर लिक्विड के और ऑब्जेक्ट की दोनों की डेंसिटी सेम हो जाए, जितनी डेंसिटी का लिक्विड है ना उतनी डेंसिटी का अपन ने ऊपर से ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो क्या होगा। तो देखो सिग्मा माइनस रो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स वी टी विल बी व्हाट, जीरो। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वहीं रुका रह जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ऐसे मान लो कि भाई ग्लिसरीन है अपने पास, उसमें ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल दी तो वहीं एडजस्ट हो जाएगी, मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। या फिर मान लो ये तो केस वन हो गया, केस टू रो ग्रेटर देन सिग्मा है, रो ग्रेटर देन सिग्मा है तो रो माइनस सिग्मा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव मतलब डाउन साइड में अपने डायरेक्शन ली थी, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव करेगा, डाउन साइड में मूव करेगा, ठीक है। अगर डेंसिटी किसकी इक्वल किसकी ग्रेटर है, ऑब्जेक्ट की ग्रेटर है ना। लेकिन मान लो ऑब्जेक्ट की ग्रेटर ना हो गए, लिक्विड की डेंसिटी ग्रेटर हो, मान लो रो इज लेस देन सिग्मा, रो माइनस सिग्मा क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो वेलोसिटी अपनी वो क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई वेलोसिटी की, मतलब अपना ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका एग्जांपल बबल बनते हैं ना वाटर में, एयर बबल, तो एयर बबल कहाँ जाते हैं, नीचे ऊपर, ऊपर जाते हैं। क्यों जाते हैं ऊपर भाई, एयर बबल बन रहा है, एयर की डेंसिटी लिक्विड वाटर से क्या है, कम है, तो एयर बबल कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई बलून ले लो, उसमें लेस डेंसिटी के अपन ने एयर डाल दी तो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, वो ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। और डेंसिटी ऑब्जेक्ट की स्मॉलर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर जाएगा, ऊपर, ठीक है। सो दिस इज स्टोक्स लॉ, स्टोक्स फार्मूला। और क्या एग्जांपल है स्टोक्स फार्मूला के, और भी एग्जांपल हैं, जैसे क्या है कि अपन ने देखा होगा पैराशूटर जो होता है ना, पैराशूटर जंप करता है प्लेन से, तो पैराशूटर जंप करता है तो इनिशियली क्या होता है, वो पैराशूट को ओपन नहीं करता तो बहुत फास्ट नीचे आता है, बहुत तेज़ स्पीड से नीचे आता है। एक टाइम के बाद पैराशूट को ओपन कर लेता है तो क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स जब लगता है भाई, अपना एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर भी तो फ्लूइड ही है ना, फ्लूइड के लिए तो पढ़ रहे हैं अपन ये रूल्स, ओनली लिक्विड के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, फ्लूइड के लिए पढ़ रहे हैं। फ्लूइड के अंदर एयर भी आती है और लिक्विड भी आता है, गैस भी आती है, लिक्विड भी आता है। पैराशूट लेके जब वो जंप करेगा तो पैराशूट जब ओपन कर लेगा तो थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है ना, एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आने लगता है। तो ये भी क्या है, स्टोक्स लॉ का एग्जाम्पल है,
ठीक है, ऐसी वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स जब ऊपर से चलती हैं है ना, जब उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो धीरे 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 एटमोसफेयर में नीचे की साइड आती जाती हैं तो क्या होता जाता है, तो धीरे धीरे नीचे आने पर उनकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट और कम होती जाती है, स्लो लो होती जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है अपने नेचर में किसके, स्टोक्स लॉ के, ठीक है। आपने शायद केमिस्ट्री में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड किया गया है, ठीक है, तो वो भी स्टोक्स लॉ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन ने नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी हैं स्टोक्स लॉ के, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं स्टोक्स लॉ से रिलेटेड, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है देयर इज अ स्मॉल स्फीयर, अ स्मॉल स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट अपन उसको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इन अ विस्कस लिक्विड ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट and the radius of the sphere and the radius of the sphere of terminal velocity, radius of sphere at terminal velocity, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक स्मॉल स्फीयर है, अपन ने उसको क्या है छोड़ दिया था लिक्विड में, लिक्विड जो विस्कस है, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई उसके अंदर छोड़ दिया अपन ने, तो फ्रिक्शन होगा है ना, तो विस्कस फोर्स लगा होगा तो फ्रिक्शन ही हो गया, वो उससे क्या हुई हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर जाने से, गिरने से है ना, और जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बोल रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई ना, उसका एक तो हीट का रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और उसका रिलेशन फाइंड करना है किसके साथ, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब देखो हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड करनी है मुझे, रेट फाइंड करनी है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हीट क्या है, एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी की रेट क्या होती है, पावर होती है, ठीक है, पावर ही तो होती है, मीन्स पावर फाइंड करनी है मुझे, पावर का डिपेंडेंस फाइंड करना है मुझे, किसके को होगा भाई, तो कहाँ से हुई हीट प्रोड्यूस, फ्रिक्शन से, टर्मिनल वेलोसिटी से, जो भाई टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद, जस्ट टर्मिनल सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद जब वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम जो वर्क डन होगा उससे क्या हुई, वो हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो पावर फाइंड करनी है मुझे उसकी, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था क्या अपन ने, वर्क एनर्जी पावर के अंदर क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, कौन सा फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, वेलोसिटी कौन सी है, टर्मिनल वेलोसिटी, दैट मींस द पावर विल बी एफ वी इनटू टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, ठीक है। अगर हीट क्यू है तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस डी क्यू अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू एफ वी एंड वीटी, ठीक है।
एफ वी विस्कस फोर्स क्या था भाई, 6 pi eta वी टी आर इंटू वी टी, इट मीन्स डी क्यू पॉइंट डी टी क्या हो जाएगा, 6 pi eta आर वी टी स्क्वायर। वी टी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो अभी निकाला है, क्या था डी क्यू पॉइंट डी टी इक्वल टू 6 pi eta आर, वी टी वॉज 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस का सिग्मा अपॉन नीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये निकाला था ना अभी फॉर्मूला। तो डी क्यू पॉइंट डी टी क्या हो जाएगा भाई, 6 pi eta आर क्या हो गया ये 4/81 ठीक है इंटू आर फोर जी रो माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा जी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा नीटा स्क्वायर, है ना। तो बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, बस मेरे को डिपेंडेंस देखनी है। तो डी क्यू पॉइंट डी टी जो है ना वो डायरेक्टली प्रपोजल है आर फोर और आर किसके आर फाइव के रेडियस में, तो डिपेंडेंस देखनी है ना मुझे ठीक है। तो डी क्यू पॉइंट डी टी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू वॉट आर फाइव, इट इज द रिलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विद द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, 2004 में आया है जेई में ठीक है, हो जाएगा इजीली, सिंपल क्वेश्चन है ठीक है भाई। तो दिस वॉज योर स्टोक्स फॉर्मूला एंड स्टोक्स लॉ ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फ्लो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।